getwaves.io, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पे मेक सम वेव्स लिखा है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। पर्सनली मैं इसे बहुत अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा काम के लिए यूज़ करता हूँ, वेव्स के लिए अगर मुझे चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ शुरू से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको तीन टाइप के वेव्स के ऑप्शन देखेंगे। एक जो ऐसे वेवी टाइप का रहता है उस टाइप का, फिर एक आपको ट्रायंगल टाइप का रहेगा, और एक थोड़ा जिगजैग टाइप का आपको मिल जाएगा यहाँ वेव्स। तो आप अपनी वेव यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस स्टाइल का चाहिए। लेट से मैं ये ट्रायंगल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देना है, मतलब इस टाइप का कुछ, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसे नॉर्मली जो नीचे की साइड है वो रहने देता हूँ। और यहाँ पे इसका कलर का ऑप्शन रहता है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ बेसिक कलर्स पहले से हैं। लेट से मैं पिंक ले लेता हूँ। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप लोग यहाँ पे उसका हेक्स कोड डाल के वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन है, तो मैं अगर इसे 100 कर दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही रहता है ये, तो जो नॉर्मल डार्क रहेगा वो रह जाएगा। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो थोड़ा देखिए और लाइट हो गया। अपने हिसाब से आप ओपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जितने ज़्यादा वेव चाहिए तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे कम पे नॉर्मल एक सिर्फ रहेगा लाइन, सबसे ज़्यादा पे कुछ इस टाइप का रहेगा, तो मैं नॉर्मली ऐसे कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एक रहेगा ऑप्शन, इससे आप वेव्स को शफल कर सकते हैं। जैसे मैं शफल कर देता हूँ, देखिए चेंज हो गया, मैं वापस शफल कर देता हूँ, कुछ और आ गया। ठीक है, तो जितना आपने सेलेक्ट किया होगा उतने में ही कुछ अलग पैटर्न बन जाएगा। तो लेट्स से आपने अपनी वेव अच्छे से डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स को डाउनलोड करने का, या तो उसका जो कोड है उसे यहाँ से कॉपी करने का। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है तो आप उसका कोड भी कॉपी कर सकते हैं, या डाउनलोड करके लगा सकते हैं, या अपने किसी ऐप में भी आप इसे डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो अगर मैं डाउनलोड SVG करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा .svg का डाउनलोड करने पे। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और एक अगर आप यहाँ कॉपी तो देखिए हमारा डाउनलोड हो गया, तो खुल गया है, तो मैं इसे काट देता हूँ। और अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी SVG कोड पे कर दीजिए, तो कॉपी हो गया। और फॉर ए प्रूफ मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखा भी देता हूँ, देखिए आपका यहाँ कॉपी होके पेस्ट हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, और बहुत ही इसे लाइक किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी इसे एक ट्राई दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। प्लीज़ 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 अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।